एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था क्रिकेट पिच के बारे में और आज उसी क्रिकेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे बेसिक फैक्टर्स, बेसिक लॉज अबाउट क्रिकेट। सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने भी अलग तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करें और बगल में बेल के बटन को दबाएं ताकि आगे की वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट एक कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ वैसे कंट्रीज को बोला जाता है जहां पर इंग्लैंड ने कभी ना कभी राज किया और क्रिकेट को एक ओवल शेप्ड ग्राउंड में खेला जाता है। ये सभी जानते हैं कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, दो टीमों के बीच खेला जाता है, ग्राउंड में दो अंपायर होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिकेट के काउंसिल को, जो काउंसिल क्रिकेट को रन करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसकी स्थापना कहाँ से हुई, उसका नाम क्या है और वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। क्रिकेट के गवर्निंग काउंसिल को हम सब जानते हैं, बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909, लेकिन 1909 में इसे बोला जाता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर बनाया था 1965 में इसका नाम रखा गया, यानी नाम चेंज किया गया और इसे बोला जाता था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1975 में वर्ल्ड कप होना शुरू हुआ, 1965 में इंटरनेशनली इस गेम को जाना जाने लगा, खेला जाने लगा। उसके बाद करेंट में, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो रखा गया था नाम 1987। अगर आप बात की जाए आईसीसी के हेडक्वार्टर्स की, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे वाले सीरीज में हम जानेंगे दुबई में कब आया आईसीसी का हेडक्वार्टर्स, दुबई से पहले कहां था आईसीसी का हेडक्वार्टर्स। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में गुजारते रहिए और आज के लिए हमारे आज के वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कोई सवाल है कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए